गैंगरेप मामले में 84 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, युवती ने एसएसपी ऑफिस में की शिकायत। बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत की है। उसने थाना सुभाष नगर में अभियुक्त तरुण यादव और उसके साथियों के खिलाफ धारा 376, 342, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इन लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। युवती ने विवेचक पर भी आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि युवती ने बताया कि तनुज यादव और उसके साथ कार में डालकर कैंट की तरफ ले गए थे और मेरे साथ गैंगरेप किया। अभी आरोपियों के खिलाफ थाना सुभाष नगर में तहरीर दी गई है, रात में मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किस क्षेत्र की रहने वाली है? सर सुभाष नगर थाना। क्या मामला है? सर गैंगरेप का है, 376। कौन होता है, किस तरह क्या हुआ? संगा यादव। पूरी होता है, कब घटना करी आपने? ये 8 जून की है, 9 तारीख को मेरा मुकदमा लिखा गया है सुभाष नगर में, जो कि अभी तक ना ही कोई गिरफ्तारी करी है, ना ही कोई विवेचना कर रहे हैं, विवेचना लंबित कर रखी है। कहाँ गई थी, कैसे गिरफ्तार हुआ था? सर ये कैंट की घटना है, 112 नंबर पे कॉल करके मैंने पुलिस को सूचना दी, मुझे घर के बाहर फेंक गए थे वो लोग, तब वो लोग लेकर मुझे थाने गए थे। मेरी पूरे दिन मुझे रात भर बैठा के रखा, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वो भी दूसरे दिन 9 तारीख में रात में लिखी गई है मेरी रिपोर्ट। मेडिकल भी हो गए, 164 के बयान भी हो गए, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। और एडीजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ रहने वाले वो लोग? मणिनाथ के हैं। क्या नाम है लोगों के? छंगा यादव, तनुज यादव और बाकी अन्य। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? नहीं सर, कर ही नहीं रहे गिरफ्तारी। आपको कहाँ ले गए थे, कैंट में ले गए थे? जी सर, ये कैंट की घटना है। किस चीज़ से ले गए, गाड़ी कौन सी? कार थी सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही बोलती है कि दबिश दे रहे हैं, दबिश दे रहे हैं। 84 दिन में पुलिस ने किया क्या है, दबिश ही दे रही है, गिरफ्तारी तक नहीं की है, विवेचना कर ही नहीं रही है, ठीक से कार तक बरामद नहीं की है अभी तक। घटना स्थल भी तब कराया गया है जब हमने 156(3) कोर्ट से डाला है तब, और इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। कोई राजनीति दबाव आ रहे हो सर? बिल्कुल, पैसे खा रही है पुलिस, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो पैसे वाले हैं ना, पैसे खिला रहे हैं, तो पुलिस पैसों में बिक गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।